हेलो फ्रेंड्स, हो कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। सब वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लवली मेगा व्लॉग्स। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोग को एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि कुछ क्लिप्स में मेरी वॉइस ऑडिबल नहीं है जस्ट बिकॉज ऑफ सम टेक्निकल ग्लिच। बट फिर भी मैं ये वीडियो आप लोग के साथ शेयर करना चाहती हूँ अपने बैकग्राउंड वॉइस के थ्रू, क्योंकि ये वीडियो मेरे लिए बहुत ही स्पेशल है और मैं इतनी एक्साइटेड हूँ कि बिना मैं शेयर किए रह भी नहीं सकती। आपको मेरे बैकग्राउंड वॉइस के थ्रू सारी चीज़ें पता चलेंगी मैं क्यों इतनी एक्साइटेड हूँ। और जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हो कि मैं छोटी के साथ हूँ जो कि मेरे कॉलोनी में रहती है और शी इज़ लाइक माई सिस्टर। सो मैं अभी जा रही हूँ जहाँ से मुझे कॉल आया। सडन ऐसा कौन सा ऑफर आया मुझे और क्या होने वाला है आगे, बहुत सारी एक्साइटिंग चीज़ें हैं। सो आप पूरी वीडियो ज़रूर देखना और बिल्कुल भी स्किप मत करना और मेरे ब्लॉग के साथ बने रहो। सो चलो चलते हैं। सो फाइनली मैं यहाँ आ गई हूँ पार्लर में। जैसा कि आप लोग देख सकते हो मैं पारो और छोटी, तो मैं सोनल ब्यूटी पार्लर में आई हूँ। यहाँ की सर्विस मुझे बहुत अच्छी लगती है इसलिए मैं यहीं पे हमेशा आती हूँ। और आप लोग भी यहाँ आएँ और आप जो भी फेशियल, स्पा, मैनीक्योर, पेडीक्योर, वैक्सिंग, वट एवर यू वॉन्ट, प्लीज़ यहाँ आप लोग विज़िट करो। ये सुषमा आंटी हैं, यही यहाँ पे रहती हैं। यहाँ का दो ब्रांच है, एक हीरापुर में मेन ब्रांच है और एक सरायढेला ब्रांच है। सो अभी मेरा यहाँ पे मेकअप होने वाला है। सो चलो देख। सो यस फ्रेंड्स, फाइनली मैं अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच चुकी हूँ और मुझे स्टेयर्स चढ़ने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि मैंने लहंगा पहना हुआ है जो कि बहुत हैवी है, मेरी शादी का लहंगा है। इस वजह से मेरी फ्रेंड्स मेरा मजाक उड़ा रही हैं। सो जैसा कि आप देख सकते हो मैं तनिष्क में आई हूँ। तो अब आपको थोड़ा समझ आ ही गया होगा कि मैं एक्चुअल में यहाँ किस लिए आई हूँ। एक्चुअली मैं यहाँ पे ब्राइडल शूट के लिए आई हूँ। सो जैसा कि आप देख सकते हो मैं तनिष्क में एंटर कर चुकी हूँ और अभी हम लोग ऊपर में जा रहे हैं क्योंकि फर्स्ट फ्लोर पे ये फंक्शन हो रहा है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं ऊपर और ये मेरी फ्रेंड्स मेरा लहंगा पकड़ रही हैं, मेरी थोड़ी हेल्प करी क्योंकि मैं एक हाथ से शूट भी कर रही हूँ और एक हाथ से मैंने लहंगा भी पकड़ा हुआ है। सो वो बहुत अनकंफर्टेबल थोड़ा फील हो रहा था मेरे लिए। तो यहाँ पे देखो मैं आ चुकी हूँ और देख सकते हो आप यहाँ पे और भी ब्राइड्स आई हुई हैं जो कि सब कोई वहाँ पे रेडी हो रहे हैं क्योंकि, और ये हमारी सबसे छोटी और क्यूट दुल्हन है। और यहाँ पे ज्वेलरी तनिष्क के ही साइड से प्रोवाइड की जा रही है तो हम लोग उसी के फ़ोटोशूट के लिए आए हैं। और अभी यहाँ पे सब इवेंट स्टार्ट होने वाला है, अभी और भी लोग आने वाले हैं। Your pretty eyes make me smile and your little fists make me stay with you. Eyelashes moving softly, little arms make me all of you. तो यस गाइस, ये है काजल मैम जिन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं यहाँ पे आके पार्टिसिपेट कर सकूँ। काजल मैम की अपनी डांस क्लास है, एसटीडी डांस क्लास, प्लस इनकी फूड कंपनी भी है डीएफसी और इनकी क्लॉथ स्टोर भी है जहाँ पे आपको हर तरह के ड्रेस मिलेंगे। सो बाकी की मैं सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आप यहाँ पे देख सकते हो ये मांग टीका, ये झुमका और ये ब्यूटीफुल सा नेकलेस मुझे तनिष्क ने प्रोवाइड किया और ये नथ मेरा खुद का है जो मेरे हस्बैंड ने मुझे तीज पे तनिष्क से ही लेके गिफ्ट किया था। सो यहाँ पे कुछ ऐसी ब्राइड्स थी जिनके साथ मेरी बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी और ये दोनों जूनियर ब्राइड्स थी तो मैं आपको मिलवाती हूँ इन सबसे। इनका नाम है प्राची वर्मा, इनका नाम है सृष्टि वर्मा। ये दोनों बहुत ही क्यूट लग रही थी यहाँ पे। और ये मेरे बगल में बैठी हैं, इनका नाम है रिक्की
ये बहुत प्यारी लग रही थी, और ये पुष्पा दी हैं, और ये प्रिया दी हैं जो कि इनका पार्लर है, ये डोर ये भी यहाँ पे आई है। हम लोग कोइंसिडेंसली यहाँ पे मिले हैं और बहुत अच्छा लगा। दी भी बहुत सुंदर लग रही है। थैंक यू। जलवा 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 Go on, just with attitude, and every latitude. You smart, holy, come on, baby, do your duty work. Jis moon ka hai ye jalwa, kis moon ka hai ye jalwa. Shohrat bhi de ye jalwa, maqsad bhi de ye jalwa. Tell him like it is, I can't hear. Dil kaise lage ye jalwa. मैं कश लगे ये चलवा, नशा ही नशा ये चलवा, मजा ही मजा, नशा ही नशा। Throw it up, throw it up. आग सी रवानिया, I know we like it, yo, what an expectation. लेती है अंदाया, Come on, yo, I'm the hottest girl around. ये चला दे दिलों में किंदा She got the styling in her. Not even smiling in her. She got the styling in her. मजा ही मजा, नशा
Throw it up, throw it up. Aag zirwaniya, yo, I know we like yo, what an expectation. Leti gaye anda, yo, I'm the hottest girl around. Ye chala de. पार्टिसिपेट किया आपका तनिष्क के साइड से. ये एक्चुअली ब्राइडल कंपटीशन रखा गया है, रिवा उन्होंने लॉन्च किया है उसके लिए. सो मैंने आज जो भी ज्वेलरी पहनी थी वो तनिष्क की थी. मेकअप मैंने हेयर मैंने सोनल में करवाया और मेरी वो जो लहंगा थी वो मेरी ब्राइडल थी, मतलब मेरी शादी की लहंगा थी वो. सो मतलब मुझे बिलीव ही नहीं हो रहा कि मतलब मुझे ऐसा आया कुछ ऑफर, क्योंकि मेरा बहुत टाइम से ये था कि मैं कभी ऐसा मॉडलिंग या रैंप वॉक कुछ करूं. भले ये छोटा सा प्लेटफॉर्म था बट मेरे लिए ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी. आई मीन मैं इतनी ज़्यादा खुश हूँ कि शायद मैंने अच्छे से ब्लॉगिंग भी नहीं किया, फिर मैंने ज़्यादा कुछ नहीं बोला बिकॉज उस टाइम पे मैं पूरी नर्वस हो गई थी. एक्चुअली मुझे ये आइडिया नहीं था कि ये कोई कंपटीशन है, मुझे लगा कि इट्स जस्ट अ नॉर्मल फोटोशूट. बट जब मैं वहाँ पहुँची तब मुझे सारी चीज़ें समझ आई कि ये तनिष्क के साइड से ब्राइडल कंपटीशन है, जो कि तनिष्क के लिए ब्रांड एम्बेसडर उसमें चूज किए जाएंगे. सो अभी धनबाद से टॉप 3 सेलेक्ट होंगे एंड देन वो नाचे जाएंगे एंड वहाँ ग्रैंड फिनाले होगा, जिसमें कि 10 से 12 लोग रहेंगे एंड देन वो ग्रैंड फिनाले होगा. तो मुझे तो नहीं पता कि क्या होने वाला है, मैंने अपना बेस्ट किया बिकॉज मैं जब मुझे वहाँ पता चला कि मैं कॉम्पिटिशन है तो मैं बहुत नर्वस हो गई थी. बट हाँ, करके बहुत अच्छा लगा और बहुत मज़ा आया. सो मैं बस इतना चाहूँगी, आगे क्या होगा आई डोंट नो. बट हाँ, आप मेरे चैनल को प्लीज़ ऐसे ही अपना प्यार देना और इसे लाइक करो, सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ और मुझे सपोर्ट करो. ऐसे ही अपना प्यार देते रहना. थैंक यू सो मच.